डिलीवरी के बाद महिला बात बात पर तुनक जाती है और झल्ला उठती है। ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचे? प्रेगनेंसी का सफर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव से भरा रहता है। कुछ लोगों को लगता है कि डिलीवरी के बाद महिला की सब समस्या खत्म हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। डिलीवरी के बाद महिलाओं के जीवन में एक नया चैप्टर शुरू होता है। इस दौरान उन्हें अपनी सेहत के साथ साथ अपने बच्चे की सेहत का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। दिक्कत तब आती है जब नए जन्मे शिशु की देखरेख में महिला अपना ध्यान नहीं रख पाती, खुद को समय नहीं दे पाती और अक्सर परेशान रहती है। इस वजह से बार बार उनका मूड स्विंग होता रहता है। डिलीवरी के बाद मूड स्विंग से बचने के लिए करीबियों से बातें करें। डिलीवरी के बाद मूड स्विंग से बचने के लिए महिलाओं को चाहिए कि वे अपनी सहेलियों, रिश्तेदारों और करीबियों से बातें करें। असल में कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद महिला अपने बच्चे में इतनी बिजी हो जाती है कि उसके पास खुद के लिए समय नहीं होता है। इस तरह की बिजी लाइफ उन्हें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से दूर कर देती है, जिस वजह से महिला में चिड़चिड़ापन और गुस्सा भर जाता है। डिलीवरी के बाद मूड स्विंग से बचने के लिए अपने लिए समय निकालें। डिलीवरी के बाद मूड स्विंग से बचने के लिए हर महिला को खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए। दरअसल डिलीवरी के बाद भी महिलाओं के शरीर में बदलाव होते रहते हैं। दरअसल महिलाएं डिलीवरी के बाद अपने शिशु को स्तनपान कराती हैं। इस वजह से उन्हें हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर चीजें ही खानी होती है ताकि उनके बच्चे का स्वास्थ्य भी सही रहे। डिलीवरी के बाद मूड स्विंग से बचने के लिए एक्सरसाइज करें। डिलीवरी के बाद मूड स्विंग से बचने के लिए महिलाओं को एक्सरसाइज करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में हुए एक अध्ययन से ये स्पष्ट हुआ है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रही महिलाओं के लिए एक्सरसाइज एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करता है। डिलीवरी के बाद मूड स्विंग से बचने के लिए हेल्दी डाइट लें। डिलीवरी के बाद मूड स्विंग से बचने के लिए आराम करें। इन बातों का भी रखें ध्यान। सैर के लिए जाएं। धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव को स्वीकार करें। दोस्तों से मिलें। पसंद की चीजों में व्यस्त रहें। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से सलाह लें। जीवन में आए इस नए बदलाव में जीवन साथी की मदद लें।